Then we have Vajrayana. Then we have Tantrayana. Then we have Mantrayana. And finally we have Mahayana. हमारे पास बुद्धिज्म में ये सेक्ट्स आते हैं. हीनयाना बुद्धिज्म में अगर मैं बात करता हूं, इसको आपको बुक्स में दो चार टाइप से और आगे डिवाइड करते हुए दिखेंगे, इनटू हीनयाना एंड हीनयाना. सो वी आर क्लबिंग इट टुगेदर इनटू हीनयाना. हीनयाना इज अ एंशिएंट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, इनिशियल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, वेयर बुद्धा वॉज नॉट ट्रीटेड एज अ गॉड, रादर देन बुद्धा वॉज ट्रीटेड एज अ टीचर. तो हीनयाना बुद्धिज्म इनिशियल बुद्धिज्म का पार्ट था, जहां पे बुद्धा को एक टीचर की तरह माना जाता था. और जैसे ही बुद्धिज्म में कहीं पे भी अगर ऐसा होता है, अगर कोई भी रिलीजन है, उस रिलीजन को संभालने के लिए यू हैव टू इंट्रोड्यूस थ्री एस्पेक्ट्स, दैट इज द स्पेल्स एंड चार्म्स एस्पेक्ट. एंड दो थ्री थिंग्स आर वज्रयाना, तंत्रयाना एंड मंत्रयाना. ये वज्रयाना, तंत्रयाना, मंत्रयाना आगे जाके हम देखेंगे इनटू दिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और यू कैन स्टडी फ्रॉम द बुक ऑल्सो. इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर वी हैव गिवन इन दिस बुक, वी हैव गिवन इलेबोरेटली दैट वज्रयाना, तंत्रयाना, मंत्रयाना आपके ईस्टर्न इंडिया में कहीं फ्लोरिश कर गए थे. ईस्ट इंडिया में कहां पे दे हैव फ्लोरिश इन टू, यू कैन से दिस बंगाल पार्ट, पालाज रूलर जो बाद में आए थे वहां पे ये फ्लोरिश कर गए थे, और उन्होंने वहां पे इसको पैटर्नाइज किया अंडर. देखो ईस्टर्न साइड पे आपका हमेशा ऐसे रहा है तंत्रसिज्म एंड शक्ति कल्ट, ये दो हिंदुइज्म के पार्ट थे जो आपके ईस्टर्न एज पे चल रहे थे. एट द सेम टाइम वज्रयाना, तंत्रयाना एंड मंत्रयाना, ये तीन पार्ट्स आपके और थे जो आपके ईस्टर्न पार्ट पे चल रहे थे. हेंस ऑन द ईस्टर्न पार्ट इट हैड दिस एस्पेक्ट, ये वाला एस्पेक्ट था जो कि आपका ईस्टर्न पार्ट पे चल रहा था. एंड टॉकिंग अबाउट दिस महायाना बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म को डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज, एक और चीज समझनी पड़ेगी कि महायाना बुद्धिज्म हमारा राइज कहां से हुआ. बुद्धिज्म को बारी बारी एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ ऑफ बुद्धा, और नॉट बुद्धा बट बुद्धिज्म, हमारी कुछ, यू कैन से हमारी बातें हुई थी, हमारी कुछ मीटिंग्स हुई थी, और उन मीटिंग्स को हम कहते हैं कि देर वर लाइक काउंसिल्स इन बुद्धिज्म. सो देर आर टोटल नंबर ऑफ फोर काउंसिल्स इन बुद्धिज्म. द फर्स्ट काउंसिल वॉज इन राजगीर, राजगीर में फर्स्ट काउंसिल हुई थी, एंड इट वॉज कंडक्टेड बाय आजाद शत्रु. सो आजाद शत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की थी एट राजगीर. राजगीर वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग दैट टाइम. सेकेंड वॉज वैशाली, वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, एंड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कंडक्टेड बाय काल अशोका. सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो काल अशोका ने ऑर्गेनाइज की थी. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी पाटलिपुत्रा में हुई थी, सेकेंड थर्ड पाटलिपुत्रा, थर्ड पाटलिपुत्रा में हुई थी, और पाटलिपुत्रा में इसको किसने अरेंज किया था, अशोक ने. सो फ्रेंड्स अशोका याद रखिएगा, फर्स्ट वन वॉज एट राजगीर बाय आजाद शत्रु, आजाद शत्रु के बाद दो अशोका है, वन इज अ काल अशोका एंड सेकंड वन इज अशोका, एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर. कश्मीर में किसने किया था इसको, कश्मीर में कुशन करके थे फॉरेन इन्वेडर्स, कुशन रूलर, जो कुशन रूलर था एक कनिष्का, कनिष्का. तो कनिष्का ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज की थी. तो वी हैव फोर बुद्धिस्ट काउंसिल, वन इज एट राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा एंड कश्मीर. ठीक है, तो ये जो हमारे पास चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये बार बार हम अलग अलग जगह पे क्यों करें, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम द कैपिटल वॉज शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अनदर टू अनदर टू अनदर. ओके, एंड आफ्टर यू कैन से दिस कुशन, कुशन क्योंकि इसका ज्यादातर इन्फ्लुएंस हमारा नॉर्दर्न साइड पे ही रहा है, इट वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इन टू इंडिया टू द, नॉट नॉट अलाउड बट इट वॉज नॉट able to penetrate into such depths into Indian territory. So, ये कश्मीर तक ऊपर तक ही ज्यादातर influential रहा है. So, fourth Buddhist council was held in Kashmir. अब ये जो fourth Buddhist council कश्मीर में हुई, इस Buddhist council में एक Buddhism का concept उठ के आया, and that was the Mahayana Buddhism.
ठीक है। अब ये महायान बुद्धिज्म के अंदर क्या था इनिशियली, एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि हीनयान बुद्धिज्म जो था, हीनयान बुद्धिज्म वॉज रिलेटेड टू वन थिंग, दैट वॉज अ यू कैन से बुद्धा एज अ टीचर। तो बुद्धा को एज अ टीचर जिस चीज में माना गया, दैट वॉज द हीनयान बुद्धिज्म। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बुद्धिज्म बढ़ता गया, वैसे वैसे फाइनली ये जाके क्या हुआ, देखो अगर आपको रिलीजन को कहीं फैलाना हो तो पहली चीज ये आ जाती है कि जो कुछ भी आप प्रचार कर रहे हो दैट हैज टू बी इन देयर लोकल डायलेक्ट। सो इन महायान बुद्धिज्म लोकल डायलेक्ट वॉज यूज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। बट हर कोई लोग आपके रिलीजन को मास्टर ना कर सके, ओनली फ्यू पीपल मस्ट हैव द अथॉरिटी टू मास्टर दैट रिलीजन। और उस रिलीजन को मास्टर करने के लिए जो लोग, कुछ लोग थे वो थे संघा को, जो मतलब रेगुलेट कर रहे थे। और उस चीज में आपने क्या कर सकते, जितना भी आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर है दैट वॉज कन्वर्टेड इंटू संस्कृत। अब उस सारे पार्ट को अगर आपने संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया तो मतलब ईच एंड एवरी और कॉमन मैन वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द संस्कृत। सो यू कैन प्रीच इन द लोकल लैंग्वेज बट द टेक्स्ट्स विल बी इन संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज के होने की वजह से पीपल वर पुट अवे। इसके बाद महायान बुद्धिज्म की सेकेंड इंपॉर्टेंट मोस्ट बात क्या है, अरे बुद्धा वॉज अ टीचर बट नाउ बुद्धा वॉज अ गॉड। अब बुद्धा जो था वो एक भगवान था, ठीक है। अब के बाद बुद्धा को भगवान की तरह पूजा जाना लगा। और सबसे इन्फ्लुएंशियल बात इसकी क्या आगे महायान बुद्धिज्म के अंदर कि बुद्धिज्म का आइडल वर्शिपिंग शुरू होगी। सो बुद्धिज्म, इन बुद्धिज्म देयर वाज यू कैन से बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिपिंग की मूर्ति पूजन बुद्धिज्म में शुरू हो गया। सो महायान बुद्धिज्म जो है यही है जो आजकल भी बहुत ज्यादा चल रहा है, इन विच द यू कैन से वर्शिपिंग ऑफ बुद्धा वॉज बुद्धा और वर्शिपिंग ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा स्टार्टेड। इसके बाद क्लास ये महायान बुद्धिज्म मंत्रयाना तंत्रयाना वज्रयाना ये सारी चीजें होगी कि बुद्धिज्म किस हिसाब से चल रहा है, रेगुलेट हो रहा है। द लास्ट थिंग इसमें हम निर्वाणा की बात करते हैं। निर्वाणा को हमने अगर हम देखते हैं तो वी हैव डिफाइंड निर्वाणा इन थ्री एस्पेक्ट्स। पहले बात में हमने देखा कि देयर हैज टू बी इन हिंदुइज्म के अंदर हमने बात की लेट इट बी नेम इट विद अनदर एस्पेक्ट ऑल्सो मोक्षा। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर किसी चीज को मोक्ष हासिल करना है, किसी इंडिविजुअल को अगर मोक्ष हासिल करना है देन ही हैज टू फॉलो द ज्ञान मार्ग रादर देन गोइंग फॉर द भक्ति मार्ग। तो उसकी आत्मा जो है वो आसानी से आपकी उसकी आत्मा आसानी से इट विल बी टचिंग द और गेटिंग मिक्स और ज्वाइनिंग द ब्रह्म। इन जैनिज्म वी सॉ दैट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पुद्गलास and there is a transfer of soul along with the pudgalas. So there was a concept of you can say kaya kalesh, body torture. So body torture ki hum baat kar rahe the in this part. So pudgalas, body torture, usko close karna aur close karne ke baad hum usko aage leke gaye. This was the concept in Jainism. But in Buddhism they said that this soul is not getting transferred from one part to another part. So they came up with a causation theory. Now, what is this causation theory, friends? Causation theory के अंदर ये था कि there is a cause for each and every reason, for each and everything. For example, if this is a wave, the new wave will be only created if this wave is there. अगर ये wave ऊंची होगी तो ये अगली wave है ये भी ऊंची होगी. Hence, ये wave is the reason for the rise of this wave. और अगर ये वाली चीज है देन हाउ बुद्धिज्म कैन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ री इनकारनेशन। दे सेड दैट री इनकारनेशन इज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लाइफ बट द सोल रिमेन्स ओवर हियर एज अ वुडन ब्लॉक वुड रिमेन। तो वेव नीचे से निकल जाएगी और अगली वेव को जनरेट कर देगी बट इट वोंट बी जनरेटिंग और इट वोंट बी ट्रांसफरिंग द सोल टू द नेक्स्ट पार्ट। सो दिस वॉज द बुद्धिज्म एंड दिस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म लेड अस टू द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री दैट इज 16 महाजनपदास। So friends, we stop here. Do read it from the books provided to you by the academy. Academy से जो books आपको provide की गई हैं Brainy IAS की, do read them and have a very elaborate picture of it. We'll again come up with the next video of Mahajanpadas. Thank you friends. Keep studying.